बीडीए न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। भंडारा जिले में इस साल 2021 में यह पहली बार है कि एक ही दिन में 198 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी हां, भंडारा जिले में मंगलवार 30 मार्च 2021 को 198 कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ अब भंडारा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15,402 हो गई है और मंगलवार को ही 65 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए। इसी के साथ अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13,928 हो गई है। अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइस, पढ़ाई तो हर कोई करता है, बट सही तरीके से, सही मेथड से जो पढ़ाई करता है वही एग्जाम क्लियर कर पाता है। एंड मैंने कई सारे एग्जाम क्लियर किए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो मेरा मेन वही है कि मैं आपको पूरा का पूरा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ गुडविल इंस्टीट्यूट। सही प्रॉपर ट्रेनिंग, सही तरीका, सही टेक्निक्स, यही चीज है जो आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प कर सकती है, जो आपको विद इन वन रूफ यही मिलेगी गुडविल इंस्टीट्यूट। भंडारा जिले में कोरोना पॉजिटिव के इस साल के सबसे बड़े आंकड़े 198 को लेकर जिले में दहशत बढ़ गई है, लेकिन आम लोग बेफिक्र है और बिना मास्क पहने खुले में घूम रहे हैं। ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं। इस वजह से भंडारा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। मंगलवार को ही भंडारा जिले में सबसे ज़्यादा 198 कोरोना मरीज मिले हैं। उसमें भंडारा तहसील के 69, मोहाड़ी तहसील के 19, सर तहसील के 26, पौनी तहसील के 49, लाखनी तहसील के 16, साकोली तहसील के 16 और लाखांदूर तहसील के 3 व्यक्तियों का समावेश है। नुगा बेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी थर्मल मसाजर थेरेपी बेस्ट हाउस। यहाँ की थेरेपी से स्पाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है, वो भी फ्री में। जर्मनी के बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में इस मेडिकल बायोसेरेमिक का बड़े बड़े प्रोफेसरों के माध्यम से रिसर्च किया गया है और इस मशीन का रशिया, साउथ कोरिया की विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल से क्लिनिकल रिजल्ट प्राप्त है। इस मशीन में लगे मेडिकल बायो सेरेमिक टोर्मेनियम से स्पाइन मैनेजमेंट और ब्लड सर्कुलेशन में मदद मिलती है। N5, N4 थर्मल थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, E5 थेरेपी, मैट थेरेपी आपके हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करती है। यहाँ एक बार आके इस थेरेपी का अनुभव जरूर लीजिए। हमारा पता आसरा कॉम्प्लेक्स भवानी टाइल्स के सामने, रेलवे क्रॉसिंग, तकिया वार्ड, भंडारा। भंडारा जिले में अब तक 15,402 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 13,928 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं और भंडारा जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है। जिले में अब तक 331 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो गई है। जिले के मरीजों का रिकवरी रेट 90.43% है तो जिले का मृत्यु दर 2.15% है। जिलाधिकारी संदीप कदम ने सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी में आने वाले किसी भी बुखार के रोगियों के लिए कोविड टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।